आज हम बनाएंगे पहाड़ी बेथू और पालक की मिक्स दाल। यहाँ पर हमने ये बेथू लिया है, बहुत ही उस तरीके से होता है, इसकी पतली पत्तियाँ होती हैं। और यहाँ पर हमारा ये पालक होता है, पालक इस तरीके का होता है। हम इसे कढ़ाई में बॉईल कर लेंगे हल्का पानी डाल के। इसमें हम हल्का पानी डालेंगे, इससे ये जल्दी बॉईल हो जाएगा। और इसमें अब हम ढक्कन रख देते हैं, इसकी आँच हम हाई रखेंगे। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम इन लहसुनों को छील लेंगे। इसमें लहसुन ज़्यादा पड़ेगा। गरम यहाँ पर छन्नी में निकाल लेते हैं और गरम गरम इसको सिलबट्टे में पीस लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से सिलबट्टे में पीस लेंगे, इस तरीके से हम इसको गरम गरम पीसेंगे। गरम गरम ये हमारा आसानी से पीस जाएगा, आप देख सकते हैं। ये हमने इस तरीके से पीस लिया है सिलबट्टे में। सिलबट्टे में पीस के बहुत स्वादिष्ट बनती है इसकी दाल। अब हम यहाँ पर हमने तवे में थोड़ा सा आटा ले लिया है, हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि इसकी तरी थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए हम इसको चावल के साथ खाएंगे, इसीलिए ये डाल के थोड़ा अच्छा स्वाद आ जाता है। हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें हमने सरसों का तेल ऐड किया है। तेल आप कम यूज करिए, आप इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा तेल ऐड किया है। यहाँ पर हमारा आटा भुन चुका है, आप इसे पानी में भी घोल के यूज कर सकते हैं, लेकिन भुना हुआ आटा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने यहाँ पर एक चम्मच जीरे के लिए तड़का लिया है, डेढ़ चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच लाल मिर्च ली है और यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है एक चम्मच। हम इसमें हल्दी नहीं ऐड करेंगे, हरी सब्ज़ी में हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसे कम मसालों में बना के तैयार कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरे को हल्का ब्राउन होने देंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन को। अब हम इसमें पालक और बेथू डाल देंगे और इसको भी हल्का घुमाएंगे। इसे थोड़ा हम भून लेंगे, इससे स्वाद और अच्छा आएगा। यहाँ पर ये हमारा सब्जी अच्छे से भून चुकी है, इसमें अच्छे से खुशबू आ रही है और हमने यहाँ पर आटा भी घोल लिया है। अब हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे, मसालों को भी मिला लेंगे हम इसमें। अब हम यहाँ पर इसमें जल्दी जल्दी पानी डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लोई नहीं बनी है क्योंकि हमने आटे को घोल के इसमें डाला है। आप चाहे तो अगर ऐसे डालोगे तो आपको जल्दी जल्दी इसमें पानी डाल के घुमाना पड़ेगा। अब हम इसमें पानी डालते रहेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे। ये हमारा पहले से हमने इसे बॉईल किया था तो इसे ज़्यादा देर तक हम नहीं पकाएंगे, बस 5 मिनट इसे पकाएंगे। ये अच्छे से पक जाएगा और इसे निकाल देंगे 5 मिनट बाद। हम इसको इस तरीके से घुमाते रहेंगे क्योंकि नीचे से थोड़ा जल जाता है, इसलिए हम इसे नीचे से घुमाते रहेंगे थोड़ा बहुत। हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे ताकि नीचे से लगे ना इसमें। हमारी दाल यहाँ पर उबाल आ चुकी है, देखिए ये बनके तैयार हो चुकी है। हम इसे थोड़ा उबालेंगे और अब हम यहाँ पर इसकी गैस बंद कर देंगे। ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। हमारी पहाड़ी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।